टीवी जगत एक बार फिर गहरे सदमे और दुख में है। जहां पूरी दुनिया क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न में डूबी है, वहीं टीवी की दुनिया में मातम पसर गया है। क्रिसमस ईव पर वो मनहूस खबर आई जिसे सुनकर किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। सिर्फ 20 साल की उम्र में पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस तनिषा शर्मा ने अपने सीरियल अली बाबा दास्तान काबुल के सेट पर फांसी लगाकर जान दे दी। बीती शाम ये खबर आई तो हर कोई सन्न रह गया। लेकिन लोगों को असली झटका तो तब लगा जब तनिषा के आत्महत्या केस में मुंबई पुलिस ने उन्हीं के को स्टार और सीरियल अली बाबा दास्तान काबुल में अली बाबा का रोल प्ले कर रहे एक्टर शीजान खान को गिरफ्तार कर लिया। शीजान खान पर तनिषा को आत्महत्या के लिए उकसाने के बेहद संगीन आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि शीजान खान ही वो शख्स हैं जिसके साथ तनिषा शर्मा रिलेशनशिप में थी। दोनों के बीच सीरियल के सेट पर ही नजदीकियां बढ़ी और फिर इनके बीच प्यार गहरा होता गया था। दोनों की क्लोजनेस का अंदाजा उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर मौजूद तस्वीरों से भी लगाया जा सकता है। सेट पर मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि तनिषा प्रेग्नेंट थी, वो शीजान से शादी करना चाहती थी लेकिन शीजान इसके लिए तैयार नहीं थे। दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया था। माना जा रहा है कि शीजान के इस धोखे की वजह से ही तनिषा शर्मा ने मजबूरी में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। तनिषा ने शीजान के मेकअप रूम में ही फांसी लगाकर जान दी है। तनिषा के आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुंबई पुलिस ने शीजान खान को धारा 306 के तहत गिरफ्तार किया है। 26 दिसंबर को पुलिस शीजान खान को कोर्ट में पेश करेगी। शीजान खान की गिरफ्तारी के बाद हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है। बता दें कि 28 साल के शीजान खान टीवी की दुनिया का वो पॉपुलर चेहरा है। उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में काम किया है। 9 सितंबर 1994 को मुंबई में जन्मे शीजान की पढ़ाई लिखाई भी मुंबई से ही हुई है। शीजान की दोनों बहनें फलक नाज और शफक नाज भी पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस हैं। 28 साल के शीजान ने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2013 में जोधा अकबर टीवी सीरियल से की थी। उन्होंने इस सीरियल में यंग अकबर का किरदार निभाया था। शीजान को इस शो से काफी फेम मिला। इसके बाद वो एक के बाद एक कई सीरियल्स में नजर आए। सिलसिला प्यार का, चंद्र नंदिनी, पृथ्वी बल्लभ, तारा फ्रॉम सतारा जैसे शोज में शीजान ने काम किया है। फिलहाल वो अली बाबा दास्तान काबुल में अली बाबा के रोल में नजर आ रहे थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।